सनसा पर्ची ना मिले थे, आज मिलगेट कराओ का दिल्ली वाले पर। बिचौलिया लोग पर्ची पा रहे हैं यहाँ से, हम लोग गन्ना लेकर के भटक रहे हैं इधर उधर। जो अदर जिलों से जो गन्ना है रिजेक्ट गन्ना ले आग मिल पे रही है, हम लोग पर्चियाँ निकल नहीं रही है, तो बताइए कैसे काम चल। फर्जी सर्वे हो गया है अरेलियों का, इतना सर्वे फर्जी हो गया है कि बिचौलियों की अरेली की पर्ची दाब के जा रही, जो सामान्य वर्ग के उनकी पर्ची नहीं निकल रही है। ये तकलीफ है यूपी के आजमगढ़ में सिठियाँ चीनी मिल से जुड़े हजारों किसानों की। खेतों में खड़ा गन्ना सूखने लगा है, लेकिन बिक्री पर्ची ना मिलने से किसान उसे मिल तक नहीं पहुंचा पा रहे। किसानों की माने तो कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 15 जनवरी तक महज एक ही पर्ची मिल पाई है। किसानों को बिल्कुल नुकसान है, जब किसानों का सर्वे हुआ है टाइम से पर्ची नहीं आई, आप बता दिए 15 जनवरी हो गई, अभी किसी की कोई ऐसे बहुत से किसान है किसी की एक पर्ची गई है, जिसके पास 4 बीघे गन्ना है, बताइए एक पर्ची से गन्ना बेच लेगा वो। अरली वैरायटी गन्ने की कीमत 325 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि सामान्य गन्ने की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन गन्ना बिकने में देरी से परेशान किसान अपने गन्ने को 140 से 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। जो किसान उनको पर्चियां नहीं मिल रही हैं, बीच वालों को पर्चियां मिल रही हैं, वो खरीद के गन्ना ले आकर बेच रहे हैं, बताइए किसानों को नहीं मिल रही है तो कैसे काम चलेगा। गांव में जो गन्ना सूख रही है वो जो बिचौलिए लोग हैं बीच वाले, वो 140 रुपये 150 रुपये क्विंटल की प्रति गन्ना खरीद के बेच रहे हैं। किसानों को जब पर्ची नहीं मिले तो किसान मजबूर अपनी गन्ना बेच ही देगा कम दाम में। किसानों की इस शिकायत के बीच चीनी मिल प्रबंधन न केवल बीते साल की तुलना में गन्ने की खरीद बढ़ाने बल्कि चीनी और बिजली उत्पादन दोनों में इजाफे के दावे कर रहा है। 110% कैपेसिटीलाइजेशन में चीनी मिल को चला रहे हैं, M30 उत्पादन भी 5% बढ़ा दिया है और पावर जनरेशन भी 1500 मेगावाट लास्ट ईयर की तुलना में हम लोग अधिक उत्पादित कर रहे हैं। पर्चियों की जो किसानों की शिकायत है उसमें मैं खुद सेंटर सेंटर जा कर के निरीक्षण कर रहा हूँ, और जहाँ जो भी कृषकों की कोई समस्या है पर्ची से संबंधित उसको तत्काल वही निर्णय लेकर के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो किसान गन्ने का सर्वे करने से लेकर पर्ची जारी करने तक की पूरी व्यवस्था पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मिल प्रबंधन कागजों में व्यवस्था दुरुस्त बताता रह जाए और इन परेशानियों से उबकर किसान गन्ने की खेती से ही किनारा कर लें। यूपी के आजमगढ़ से रतन राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।